हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जांपल या कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किए हैं, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, फिर इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फिर फाउंडेशनल प्रिंसिपल जैसे कि यूनिवर्सैलिटी, इनडिविजिबिलिटी, इनएलिनेबिलिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, फिर देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स को देखेंगे, फिर चैलेंजेस देखेंगे, फिर वो वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स का आज का ये सेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम, और स्पेशली 21st सेंचुरी में जब ह्यूमन राइट्स की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ह्यूज है। जिस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस देख रहे हैं, या वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं दुनिया भर में, जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, हाल ही में चल रहे जो रसिया यूक्रेन वॉर हो गया आपका, या आपका अभी अफगानिस्तान में जिस तरीके की क्राइसिस देखी गई है, और बहुत सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे किस तरीके के ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन चलता रहता है। तो ह्यूमन राइट्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना ज़रूरी है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं, उससे पहले ब्रीफ अबाउट मी। एंड गाइस, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत हार्ड एफर्ट्स लगते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है इस तरीके के लेक्चर को क्रिएट करने में, तो आई होप आप वैल्यू, जो एफर्ट्स एंड टाइम है उसकी वैल्यू समझते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेक्चर को अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो न्यू लेक्चर्स आए, हम लोग डेली बेसिस पर यहाँ लेक्चर्स लेते हैं, वो आप तक पहुँच सके उसकी नोटिफिकेशन। ओके, तो आप देखेंगे जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे रिलेटेड आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और लेक्चर सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे UGC नेट एग्जामिनेशन को लेकर हम लोगों ने MCQ प्रैक्टिस वीडियोस भी बनाए हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहें मेरे साथ, कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ये वो फंडामेंटल या बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम हैं। फंडामेंटल बेसिकली क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए लाइफ के लिए, एक इंडिविजुअल के लाइफ के लिए, जैसे पानी, जो वाटर है, फूड है, ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से हम जब राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो कुछ राइट्स एंड फ्रीडम फंडामेंटल होते हैं, बेसिक होते हैं, जो हर एक पर्सन इंटाइटल्ड होता है इनको एंजॉय करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन। मतलब ये चीज़ मायने नहीं रखता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इसके इस ये कंटेक्स्ट ही नहीं है इसका, राइट। सो रिगार्डलेस ऑफ योर नेशनैलिटी, रेस, जेंडर एंड रिलीजन, ये कुछ बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम है जो हर एक इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। और ये जो बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं, ये बिलोंग करते हैं वो सभी लोगों से इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखें अगर कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स, तो कुछ यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किए हैं, दो के मैं सभी राइट्स को यहाँ पर नहीं लिस्ट कर सकती, कुछ मैंने मेजर राइट्स ही लिए, जैसे राइट टू लाइफ। ओके, इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूएल, इनह्यूमन एंड जो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट है उससे फ्रीडम होना, या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके जो अपने व्यूज़ हैं उसको विदाउट फियर एक्सप्रेस कर सकते हो। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, आप ग्रुप बना सकते हो, कोई ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है,
इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है. राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, राइट टू फूड, राइट टू जो हाउसिंग एंड राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो 21st सेंचुरी में हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को या स्कोप को थोड़ा ब्रॉड किया गया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल राइट्स ना, क्लीन एयर का राइट होना या हेल्दी इन्वायरमेंट का आसपास होना, एक बेसिक या एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना. ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. अब यहाँ पर राइट टू फूड के साथ साथ में, राइट टू फूड तो है बेसिक राइट, इसके साथ साथ वो फूड न्यूट्रिशियस होना, मतलब एडिक्वेट न्यूट्रिशन सप्लाई करना उस इंडिविजुअल को. तो ये सारे 21st सेंचुरी में और भी हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड किया गया है. तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं जो यहाँ पर हमने लिस्ट आउट किए. तो अब ये इन जो राइट्स यहाँ पर मेंशन है, इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि कितने बेसिक राइट्स हैं, कितनी बेसिक फ्रीडम है. भाई फूड या हेल्थ या एजुकेशन तो हर किसी को चाहिए, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप ब्रिटिश हो. ओके, फूड तो हर किसी को चाहिए. तो इस तरीके से नेशनैलिटी, रेस एंड जेंडर एंड रिलीजन के कंटेक्स्ट से बाहर है ये. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया. अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें ह्यूमन राइट्स का. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये कॉन्सेप्ट आ गया है. ओके, सो ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये ओवर द सेंचुरीज इवॉल्व हुआ है. शुरू हुआ था इसका माइलस्टोन अगर हम देखें तो मेगना कार्टा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर इंडिविजुअल की कुछ लिबर्टीज़ के कॉन्सेप्ट को शेप किया था मेगना कार्टा ने. तो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था. दो कि इसके पहले भी ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते थे या बात की जाती थी इन पर, जैसे हम नेचुरल राइट्स की बात करते थे, बट मेगना कार्टा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था या स्टेज थी जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हो रहा था. देन आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है. तो एवरी इंडिविजुअल एवरीवेयर, कहीं पर भी रहे वो इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में ये अप्लाई होता है, और इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल राइट्स बोलते हैं. रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, वो रिच है या पुअर है, राइट, या उसका वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ट्राइबल पीपल है, कौन है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये मैटर ही नहीं करता. हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी और इक्वालिटी की डिमांड होती है. इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाए यहाँ पर, तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जहाँ पर अगर आप एक राइट का वॉलेशन कर रहे हो तो इट मीन्स दैट कि दूसरे राइट्स भी इससे इंटरकनेक्टेड हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनका भी वॉलेशन कर रहे हो. अब इंटरकनेक्टेड आप देखें, जैसे अगर मान लीजिए एजुकेशन, आपने राइट टू एजुकेशन नहीं दिया किसी को, अगर आपने राइट टू एजुकेशन नहीं दिया तो यहाँ पर क्या है, वो अपना राइट टू लाइवलीहुड, जो वेजेस बना सकता था, पढ़ लिख कर कुछ पैसे कमा सकता था, अर्निंग कर सकता था, वो नहीं कर पाएगा. अजब अर्निंग नहीं होगी तो राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू हाउसिंग, ये सारे भी तो वॉयलेट होंगे. ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से ये सारे राइट्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. अगर एक राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो ये दूसरे राइट्स को भी अफेक्ट करता है. इसी तरीके से हम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को देखें ह्यूमन राइट्स के, तो ह्यूमन राइट्स कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल, इनडिविजिबिलिटी का प्रिंसिपल या इनएलिनेबिलिटी का प्रिंसिपल. अब इन प्रिंसिपल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. तो हम ये कहते हैं, बार बार आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, एक टर्म यूज़ किया जाता है. इनहेरेंट का क्या मतलब होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट नहीं किए गए हैं. जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, तो ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं. ओके, तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं? ये इनहेरेंट हैं, बीइंग अ ह्यूमन हमें ये राइट्स मिल रहे हैं. ओके, जैसे ही हम जन्म लेते हैं ये हमें राइट्स आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं. तो ये किसी भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा हमें नहीं दिए गए हैं. इस नेचर को कहते हैं इनहेरेंट, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट. समझ में आ गया? दूसरा है यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल. तो हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इसका मतलब है कि ये सभी लोगों पर और सभी जगह अप्लाई होता है इक्वली. ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका में लागू है, इंडिया में नहीं होगा, या अफगानिस्तान में नहीं होगा, या अफ्रीका के देशों में नहीं होगा. तो ये यूनिवर्सल है,
एवरीवन एंड एवरीवेयर इंटाइटल्ड, ये जो यूनिवर्स जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए. तो ये समझ में आ गया. इंटरडिपेंडेंट हमने देख ही लिया कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं. ओके, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इकट्ठे काम करते हैं लोगों की, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी और वेलबींग को इंश्योर करने के लिए. इनएलिनेबिलिटी, इनएलिनेबिलिटी बेसिकली मतलब होता है कि हम ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हम इंडिविजुअल बीइंग से, हम इन्हें सरेंडर्ड या रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोसेस के द्वारा. इनएलिनेबल हैं, हम इसे रिमूव नहीं कर सकते, हम किसी इंडिविजुअल से ह्यूमन राइट्स को छीन नहीं सकते. कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स क्यों ना हों, कोई भी ह्यूमन राइट्स को इंडिविजुअल से छीन नहीं सकता. सो दे कैन नॉट बी सरेंडर्ड एंड रिमूव्ड. इसे कहते हैं इनएलिनेबल नेचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स. तो ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे ह्यूमन राइट्स के, आई होप कि इनकी अंडरस्टैंडिंग अब आपको डेवलप हो गई होगी. अब ह्यूमन राइट्स में अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है डिक्लरेशन, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. बहुत इम्पॉर्टेंट डिक्लरेशन है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में 30 आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. इस डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल्स हैं और इन 3 आर्टिकल्स में आउटलाइन किया गया है राइट्स एंड फ्रीडम जो हर एक इंडिविजुअल को इंजॉय करता है, और इन्हें ह्यूमन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है. इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा. मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स डे जो होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो अभी नेक्स्ट है कि जो ये ह्यूमन राइट्स हैं इस डिक्लेरेशन के द्वारा जो आउटलाइन किया गया है इन 30 आर्टिकल्स में अबाउट द राइट्स एंड फ्रीडम जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं कैसे, कि जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं अगर वो अपने अपने डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स नेशन में लॉज बनाते हैं, कुछ नॉर्म्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर इन स्टैंडर्ड्स को एटलीस्ट उन्हें फॉलो करना होगा ताकि दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इंश्योर किया जा सके. ओके, तो ये डिक्लेरेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने की आपको ये ज़रूरत है कि जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जो नेशन है उन पर ये बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग हो गया, उन्हें फॉलो ही करना है. तो जो ये डिक्लेरेशन है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. मतलब आप किसी गवर्नमेंट को, जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को, आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि ये प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए. हाँ, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिन्हें गवर्नमेंट फॉलो करती है. तो यहाँ पर एक तरीके से उसका प्रेस्टीज या उसका एक लेवल अपग्रेड होता है, उसको दुनिया भर में प्रेज किया जाएगा या रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है. तो एक अच्छी इमेज, गुड इमेज बनती है, गुड विल दिखती है यहाँ पर. ओके, वो चीज़ हो जाती है. एक तरीके से मोरल वैल्यूज़ भी यहाँ पर प्रमोट होती है. तो ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है कि अगर कोई देश इसे फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर हमने कोई पनिशमेंट सिस्टम बना रखा है. ओके, ये मतलब होता है इसका. आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स है उसको अडॉप्ट किया है, इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. अब ये लीगली बाइंडिंग होता तो क्या नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके की सिचुएशन है क्या हो पाती? नहीं हो पाती ना. तो अफगानिस्तान में जिस तरीके की प्रॉब्लम आई, या अभी रसिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, कितने सारे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, फिर भी कोई इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ड्रॉबैक हैं. हम ये चैलेंजेस में अभी डिस्कस करेंगे. भाई जो ह्यूमन राइट्स हैं हम इतना अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, बट स्टिल आज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठाकर आप देख सकते हो जहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं एप्लीकेबल हैं. सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें,
जो एक कंपोनेंट है ह्यूमन राइट का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दो मेजर कंपोनेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स का, एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम या राइट होता है कि वो अपने ओपिनियन या आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें विदाउट द फियर ऑफ सेंसरशिप एंड प्रोसिक्यूशन। इसके बाद राइट टू वोट। हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपने जो देश है उसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करे, जैसे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में राइट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करे, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट होता है कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले अंडर द लॉ। यहाँ पर मतलब जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं या डिस्क्रिमिनेटिव नहीं होनी चाहिए, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, जेंडर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप मान सकते हो, जैसे मान लीजिए रिच एंड पुअर, ट्राइबल पीपल्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट के लिए इंटाइटल्ड होते हैं सारे लोग। अब हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, तो यहाँ पर राइट टू वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे राइट टू फेयर वर्क, कंडीशंस होनी चाहिए, जस्ट वेजेस मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को 100 रुपये मिल रहे हैं एक घंटे के काम के और दूसरे को 20 रुपीज़ मिल रहे हैं एक घंटे काम के। तो आप देखोगे कि जो इक्वल वेजेस की डिमांड हमेशा उठती रहती है, मेन एंड वुमेन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर पोजीशंस पे, तो ये बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू होता है कि भाई ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि भाई राइट टू वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी को मिलनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, ये बेसिक ह्यूमन राइट है, सभी को मिलना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस में। आप देखोगे बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो वुमेन हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती हैं जितने की मेल को मिलती हैं। ये आपने बहुत जगह बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये देखे होंगे, ओके, क्योंकि वुमेन को लोग उतना नहीं पढ़ाते लिखाते, अपने स्टीरियोटाइप्स हैं हर एक सोसाइटीज़ के। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। देन राइट टू हेल्थ, भाई हर एक इंडिविजुअल को राइट टू एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल सिर्फ इसमें फिजिकल हेल्थ नहीं आती है, इसमें मेंटल हेल्थ भी आती है, ओके। तो ये कुछ हमने सिविल एंड पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स देखे। कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इस कंपोनेंट में जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, तो यहाँ पर लोगों को ग्रुप्स ज्वाइन करना, यूनियंस ज्वाइन करना, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करना, ओके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग व्यूज़ एक्सप्रेस करना या काम करना, वो आ जाता है। राइट टू पीसफुल असेंबली, मतलब लोग क्या है अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं पसंद आ रही है तो वो इकट्ठे गैदर होना और प्रोटेस्ट करना। जैसे इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ को लेकर आपने देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होते रहते हैं, ओके, ये इन हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि भाई किसी पर्टिकुलर मुद्दे के खिलाफ वो पीसफुली असेंबली, हम यहाँ पर वायलेंस की बात नहीं कर रहे, पीसफुली असेंबल हों और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें कि भाई गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दुनिया भर में आप ऐसे प्रोटेस्ट देखते हो, ओके, इंडिजिनस राइट्स के बारे में, जैसे कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिन्हें अपने कस्टमरी राइट्स, जो उनको उनके जो कल्चर या जो उनके उनके जनरेशन से मिले हुए हैं उनके उनकी राइट, तो इस तरह से उनको कस्टमरी लॉ फॉलो करने का जो राइट्स है वो बेसिक राइट्स या ह्यूमन राइट्स पे आता है, ओके, इस उनका कल्चर, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें कि वो अपने वैल्यूज़ को, अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। अब हम देखें कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे होते हैं। तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के। कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए हम मेजर चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का अगर टॉर्चर किया जा रहा है उनको या आर्बिट्री डिटेंशन किया जा रहा है तो ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन एंड अदर फैक्टर्स, ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। या जो प्रिजडिसेस बनाए जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए वुमेन को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होंगे या पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होंगे,
तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है. वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट वॉर, रसिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो, वायलेंस देख सकते हो अफगानिस्तान में किस तरीके का वायलेंस हुआ, ये सब क्या है, ये ह्यूमन सफरिंग को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स एब्यूज क्रिएट करते हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं. तो इस तरीके से और भी चीज़ें, आप मुझे कोई इनोवेटिव तरीका कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और किस किस तरीके से होता है. आप मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी नरेट करिएगा, इससे क्या होगा, हम सभी का नॉलेज इनरिच होगा. मुझे भी बहुत सारे आपके डाइवर्स व्यूज़ पता चलते हैं और अच्छा लगता है मुझे पढ़कर वो सारी चीज़ें कि अरे भाई हाँ ये भी डायमेंशन हो सकती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था. ओके, तो अपने ओपिनियन ज़रूर कॉमेंट करिएगा. एफ़र्ट्स टू प्रमोट या प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स की बात करें, अब हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि भाई क्या ज़रूरत है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने में. तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे एडवोकेसी प्रोग्राम्स, लीगल फ्रेमवर्क्स लिए जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए गए और बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ के इनिशिएटिव्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने एफ़र्ट्स दे रहे हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है कि भाई अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए. एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं, ओके, इनको, इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाए. लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है. ओके, तो आप इनको सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा, कैंपेन के द्वारा या जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके द्वारा अवेयरनेस को बढ़ाना, लोगों को नॉलेज देना अबाउट देयर राइट्स कि ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट्स है. जैसे मान लीजिए कस्टमर राइट्स, बहुत सारे हम लोग के कस्टमर राइट्स होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे ये राइट्स हैं. तो कंपनी क्या करती है, मैनिपुलेट करती हैं. उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है सिटीजन्स को, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगी. ओके, ये चीज़. कोलैबोरेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स को कोलैबोरेट, आपस में एक तरीके से कलेक्टिव एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हम एड्रेस कर सकें और एक और भी ज़्यादा जस्ट सोसाइटी बना सकें. कैसी सोसाइटी जहाँ पर सारे लोग हैप्पीली रह सकें. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है. अपने ओपिनियन मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे ये वॉलेट हो रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए. तो आप अपना इनोवेटिव व्यूज़ को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. तो ये था ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स, कुछ मेजर ह्यूमन राइट्स को हमने लिस्ट आउट किया, देन पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ह्यूमन राइट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और हमने ये देखा कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. ओके, फिर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा. बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड गाइज, वंस अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिएगा और लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा. देखिए, आपको लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने या सब्सक्राइब करने में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है ना, लेकिन ये इस चैनल को ग्रो करने पे हेल्प करता है. और आपको पता है कि बहुत सारे एफर्ट्स एंड हार्डवर्क लगता है ऐसे लेक्चर्स को क्रिएट करने पे. तो प्लीज़ डू इट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.